लेबनान से जंगी हालात के बीच इसराइल लगातार ईरान की प्रॉक्सी ग्रुप के जाल में फंसता जा रहा है। एक के बाद एक प्रतिरोधी गुट इसराइल पर सीधे हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने इसराइल पर एक भीषण हमला किया है। समूह के लड़ाकों ने कब्जे वाले शहर इलट में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ड्रोन से हमला किया। ऐसा दावा है कि हमले में 2 ड्रोन शामिल थे, इससे 2 इजरायली घायल हो गए हैं। इराकी प्रतिरोधियों ने हमले की पुष्टि और समूह ने इस बात पर जोर दिया कि इलाकों में हिंसा के प्रतिरोध में हमले लगातार जारी रहेंगे। ये अभियान बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत फिलिस्तीनी और लेबनानी नागरिकों के खिलाफ इसराइल के नरसंहार के जवाब में किया गया। वहीं लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद इराक के प्रतिरोध गुट ने हिजबुल्ला का समर्थन करने का वादा किया। इराक के कताइब सैयद अल शुहादा के महासचिव ने कहा कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के आदेश पर हजारों इराकी पूरी तरह से संगठित होंगे। यदि आपने 1000 शहीदों को खो दिया है तो हम आपको 1,00,000 सिपाही देंगे। इराकी प्रतिरोध के दावों की इजरायली सेना ने भी पुष्टि की है। IDF ने कहा कि इराक से लॉन्च एक ड्रोन ने एलेट बंदरगाह पर हमला किया, जिससे जान माल दोनों का नुकसान हुआ। 2 लोग घायल भी हुए। हमले में लॉन्च दूसरे ड्रोन को नौसेना ने लाल सागर के ऊपर रोक दिया था। इजरायल के सबसे दक्षिणी शहर में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ड्रोन दागे गए थे। इराकी प्रतिरोध के हमलों में लगातार इजाफा ऐसे समय में हुआ है जब इजरायल और हिजबुल्ला के बीच सीधी जंग के आसार बढ़ गए हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि विस्फोटकों से लदा ड्रोन एलेट से टकराते ही फट गया। इससे बंदरगाह से धुआं उठने लगा और एक गोदाम को नुकसान पहुंचा। इराक से आए ड्रोन से शहर में अलर्ट सायरन बजने शुरू हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि इससे पहले इलाके में इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं। इससे पहले इराकी प्रतिरोध ने इसराइल के दक्षिणी अराबा रेगिस्तान में जॉर्डन की सीमा पर रात भर दुर्लभ सायरन बजाया। IDF ने कहा कि ड्रोन जो पूर्वी दिशा से इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसा था, अराबा क्षेत्र में बिना किसी नुकसान के टकराया। समूह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने जॉर्डन घाटी में एक लक्ष्य पर हमला किया। IDF ने कहा कि इराक से आए 2 ड्रोन ने इंजीवान और मेरोम गोलान में सायरन बजाने के बाद उत्तरी गोलान हाइट्स के खुले इलाकों पर हमला किया। ड्रोन के हमले से खुले इलाकों में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। बता दें कि इराक में ईरान समर्थित प्रतिरोधी समूहों ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध और उत्तर में लड़ाई के दौरान इसराइल पर कई ड्रोन दागे हैं। इनमें से अधिकतर ड्रोन इजरायली सीमा पार करने में विफल भी रहे, तो वहीं कई ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है या फिर खुले इलाके में जा गिरे हैं।